नमस्कार मित्रों, डिजायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का अध्ययन कर रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में अभी टेंसेस चल रहे हैं। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूँ कि जब यह वीडियो लेक्चर कम्प्लीट होगा तो आपके लिए ये टॉपिक धुआं होने वाला है, यानी बहुत बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में मैं आज आपको ये टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। और आज के बाद मैं ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आपको इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पहले पार्ट में अफर्मेटिव सेंटेंस का अध्ययन कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके वो वीडियो लेक्चर देख सकते हैं और उसके बाद आप इस दूसरे वाले वीडियो लेक्चर पर आ सकते हैं। चलिए, इसकी पहचान तो हमने सबसे पहले आपको बता ही दी थी कि मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। और आज हमें पढ़ना है, अफर्मेटिव पढ़ लिया, आज हम पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस पढ़ने से पहले आपको कुछ नोट्स लिखने हैं। नोट वन में आप लिखेंगे कि ही, शी, इट तथा एक वचन कर्ता यानी सब्जेक्ट, कर्ता यानी सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग करते हैं। और नोट टू में आप लिखेंगे आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ता यानी सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग करते हैं। तो एक में तो डू लगेगा और एक में लगेगा डज। और नीचे आपको इसका रूल लिख लेना है कि सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। इतना आप पहले नोट्स लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसके एग्जांपल करा के दिखाता हूँ कि कैसे इसके एग्जांपल होंगे। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ एग्जांपल्स को हल करने से। ध्यान रखने वाली बात कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान तो यही होती है कि अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, लेकिन अगर वो निगेटिव सेंटेंस होगा तो उस वाक्य में नकारात्मक शब्द भी आएगा, जैसे नहीं। तो देखिए एग्जांपल, राम बस से विद्यालय नहीं जाता है, ये आ गया नकारात्मक शब्द। ठीक है, अब इसको हल करना बहुत आसान है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। जिस बच्चे ने रूल को नहीं छोड़ा वो कभी नहीं भटकेगा। तो रूल क्या है इसका, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट पहचानने के लिए हमने बताया था कि कौन का प्रश्न पूछिए, तो कौन बस से विद्यालय नहीं जाता है, राम, तो इसका सब्जेक्ट हो जाएगा राम। चलिए, डू या डज, दोनों में से कोई एक लगेगा। अब हमने कहा था कि ही, शी, इट और एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता यानी किसी एक व्यक्ति का नाम हो, तो एक वचन कर्ता के साथ यानी अकेला व्यक्ति हो तो उसके साथ क्या लगता है, डज लगता है। और आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ डू लगता है, तो ये हो जाएगा राम डज। उसके बाद तुरंत नॉट, अगर आप ध्यान दें तो मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहा, मुझसे जो ये रूल कह रहा है मैं वही कर रहा हूं। जब आप रूल को फॉलो करेंगे तो आपसे कभी गलती नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है कि आप कम से कम 98% तक सेंटेंस को सही कर देंगे, भले ही आपको कुछ ना आता हो। हो सकता है आपको प्रीपोजिशन जोड़ने में या फिर कुछ और चीजों में गलती का अनुभव हो, लेकिन अगर आप रूल को फॉलो करेंगे तो आप सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब ये सारी चीजें सही जगह पे सही तरह से लिख देंगे तो आपका सेंटेंस सही होगा 98% तक। और जब आप सेंटेंसेस को और ज्यादा करने लगेंगे, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता, मैं उस स्तर से बता रहा हूं, तो जब आप सेंटेंसेस को और ज्यादा हल करने लगेंगे तो आपके सेंटेंसेस 100% तक सही होने लगेंगे। अभ्यास करने से ही व्यक्ति महान बनता है। ठीक है, तो देखिए मैं रूल को पकड़ के चल रहा हूं, सब्जेक्ट लिख दिया, डू या डज में से डज लगा दिया, नॉट लगा दिया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैंने कहा था जिसमें ता, ती, ते जुड़ा हुआ है वही वर्ब है, तो किसमें जुड़ा है, ता है, जाता यानी जाने में, तो गो। फिर तुरंत ये कहता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, तो ऑब्जेक्ट क्या है, कहां जा रहा है, विद्यालय, तो गो के साथ हमेशा टू लगता है। ठीक है, तो गो टू स्कूल,
उसके बाद कहता है अदर वर्ड जोड़िए, तो अदर वर्ड राम लिख लिया, विद्यालय लिख लिया, नहीं लिख लिया, जाता है लिख लिया, बच रहा है बस से, तो जब किसी साधन से जाने की बात हो तो बाई बस, फुल स्टॉप। चलिए एक और एग्जांपल लिखते हैं ताकि कुछ डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए। सीता और गीता कक्षा में गीत नहीं गाती है। ये एकदम सरल है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे गीता और सीता। सब्जेक्ट कौन है? गीता और सीता, तो ये हो जाएगा गीता एंड सीता। फिर डू या डज, क्या लगेगा? डू लगेगा कि डज लगेगा? सोचिए सोचिए, डू लगेगा कि डज लगेगा? तो गीता एंड सीता मिलकर दो हो गए, यानी बहुवचन हो गए, तो यहां पे लगेगा डू। क्लियर है? उसके बाद नॉट, डू नॉट। अब दिक्कत ये हो रही होगी कुछ बच्चों को कि सर यहां पर नाम था तो आपने डज लगाया, यहां पर नाम है तो आपने डू लगाया, ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहां पर राम अकेला था, राम और श्याम नहीं थे, लेकिन यहां पे गीता और सीता दो लड़कियां हैं। ठीक है? अच्छा, अगर यही हो जाए कक्षा में मधु के साथ, चलिए मधु के साथ, मधु के साथ गीत नहीं गाती हैं, तो क्या होगा? कुछ बच्चे गलती कर देते हैं कि मधु को भी जोड़ देते हैं, तो मधु को नहीं जोड़ना, मधु एक अलग बात है। ठीक है? मधु अदर वर्ड में है, ये सब्जेक्ट है सीता और गीता, ये सब्जेक्ट है। ठीक है? चलिए, तो सीता एंड गीता डू नॉट क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो सिंग है, गाना है ना, सिंग, और उसके बाद सिंग आ सॉन्ग होगा, क्योंकि एक टाइम पे एक ही गीत गाएंगी, तो सिंग अ सॉन्ग, गीत नहीं गाती है, कहां नहीं गाती? कक्षा में। सिंग अ सॉन्ग इन द क्लास, और उसके बाद मधु के साथ विथ, यहां पे लिख देते हैं मधु, फुल स्टॉप। तो सीता और गीता, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिख लिया सीता एंड गीता, फिर डू नॉट लगा दिया, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग, उसके बाद गीत नहीं गाती, तो गीत हो गया ऑब्जेक्ट और गाना हो गया वर्ब, तो सिंग उसके बाद आर सॉन्ग लगा दिया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट लिख लिया तो इसमें दो अदर वर्ड थे, एक मधु के साथ और एक कक्षा में, तो हमने लिख दिया इन द क्लास विथ मधु, क्लियर हो गया, और लगा दिया फुल स्टॉप। अब आ सॉन्ग, जब भी गीत गाने की बात होगी तो आ सॉन्ग लगेगा, आ सॉन्ग। ठीक है? क्यों? क्योंकि एक टाइम पे एक ही गीत गा सकते हैं, एक साथ चार पांच गीत नहीं गा सकते। ये हो गया क्लियर? तो सीता और गीता कक्षा में मधु के साथ गीत नहीं गाती है, यानी गीता, सॉरी मैंने यहां पे गीता लिख दिया है, सबसे पहले सीता है और फिर गीता है, ये क्लियर हो गया। तो सीता एंड गीता डू नॉट सिंग अ सॉन्ग इन द क्लास विथ मधु। कुछ एग्जांपल देखते हैं, मैं आपके लिए देता हूं होमवर्क, उन्हें आप हल कीजिए ताकि आपके लिए ये सरल हो जाए। चलिए कुछ होमवर्क हैं जो आपके लिए हैं, जैसे हम कक्षा में गणित नहीं पढ़ते हैं, तो पढ़ना का होता है रीड, आप सबको पता है READ, और दूसरा है सुरेश और रमेश महेश के साथ बस से दिल्ली नहीं जाते हैं। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया हमने, थोड़ा सा, ठीक है? इसको कमेंट करना, ये वाला हमको जानना है कि आप कर पा रहे हैं या नहीं। तीसरा है अध्यापक कक्षा में राहुल को नहीं डांटते हैं, डांटना का होता है स्कोल्ड, SCOLD। और हाँ, एक कोई ग्रामर की बुक ले लीजिए जिसमें एक्सरसाइज करने के लिए बहुत से वाक्य दिए हुए हों, ठीक है? क्योंकि यहां पर मैं आपको 2-5 या ज्यादा से ज्यादा 10 एक्सरसाइज करवा सकता हूं, उसके बाद आपको खुद से प्रयास करना है। खुद एक कोई बुक ले लीजिए कक्षा 8 या 10 या 12 की, जिसमें टेंसेस हो और टेंसेस के बहुत सारे वाक्य दिए हों हल करने के लिए, या फिर आप इंटरनेट पर ही सर्च कर लीजिए,
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य, वहां पर बहुत से वाक्य आ जाएंगे और उनको हल कीजिए खुद से, ठीक है। क्योंकि अभ्यास करने से ही व्यक्ति महान बनता है। अर्जुन ने द्रोणाचार्य से पूछा था कि गुरुदेव अंधेरे में भी मेरे हाथ को कैसे पता कि मेरा मुंह कहाँ है, तो द्रोणाचार्य ने अर्जुन को उत्तर दिया था क्योंकि तुमने इतना अभ्यास किया है कि जब तुम भोजन उठाते हो तो तुम्हारा अभ्यास ही तुम्हारे हाथ को तुम्हारे मुंह तक का रास्ता दिखाता है। अगर आप अभ्यास करते हैं, रेगुलर अभ्यास करते हैं, तो आप भी महान बन सकते हैं, ठीक है। अर्जुन बनना बहुत सरल है लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो वही काम आपको भी करना है, वाक्य को हल कीजिए, ढूंढिए हर एक जगह से वाक्यों को ढूंढिए और उन्हें हल कीजिए। और जब आप हल करेंगे जितने ज्यादा वाक्यों को, उतना ही ज्यादा आपके लिए सरल हो जाएगा इन वाक्यों को हल करना, ठीक है। अब ये निगेटिव सेंटेंस तो कंप्लीट होता है, लेकिन इसके तुरंत बाद आता है इंटरोगेटिव, ठीक है। और इंटरोगेटिव में कुछ करना नहीं है, बस इसका स्थान पे इसको रख देना है और इसके स्थान पे इसको रख देना है। रूल बहुत आसान है, सब्जेक्ट के स्थान पे डू या डज को रख दीजिए और डू या डज के स्थान पे सब्जेक्ट को रख दीजिए और फिर इंटरोगेटिव का रूल बन जाता है। एक रूल याद कर लीजिए तो सारे रूल अपने आप बनते चले जाते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं इंट्रोगेटिव पर। तो चलिए अब पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में दो होते हैं, इंट्रोगेटिव फर्स्ट और इंट्रोगेटिव सेकंड। फर्स्ट की कहानी यह है कि जिस प्रश्न का उत्तर आप केवल हां और नहीं में दे सकते हैं वो हमेशा आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट की श्रेणी में, ठीक है। अब चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल मैं लिखता हूं एक, चलिए ये सेंटेंस यहां पर कुछ इस तरह से होगा, यहां पे हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। इसका रूल है डू या डच प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका कुछ इस तरह से वाक्य होगा कि क्या हम मैदान में, चलिए बहुत सिंपल सा वाक्य, क्रिकेट नहीं खेलते हैं और ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो क्या हम मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते, मैंने सबसे सरल उत्तर तरीका बताया इसको पहचानने का, केवल हां और नहीं। यदि इस प्रश्न का उत्तर आप केवल हां और नहीं में दे सके और सामने वाला समझ जाए तो इसका मतलब ये होता है इंट्रोगेटिव फर्स्ट। कैसे, कोई भी आदमी आपसे पूछे कि क्या हम मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते और आप कह दीजिए हां, तो वो व्यक्ति समझ जाएगा कि हां हम मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते। और अगर उस व्यक्ति ने आपसे पूछा कि क्या हम मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते और आप कह दे नहीं, तो वो व्यक्ति समझ जाएगा कि मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते। ज्यादातर ये वाक्य क्या से शुरू होते हैं और अगर क्या से नहीं शुरू हुआ तो इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि इस प्रश्न का उत्तर आप केवल हां या नहीं में दे सकेंगे और सामने वाला समझ जाएगा। ये सबसे आसान तरीका होता है, ठीक है। तो इसको करने का तरीका है, सबसे पहले डू या डज, दोनों में से कोई एक। तो किसको देखकर लगेगा डू या डज, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट कौन है, हम। तो हम आई वी यू दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं तो ये हो जाएगा डू। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हम, वी। नॉट, नॉट की कहानी बहुत दिलचस्प है। नॉट तब लगेगा जब वाक्य में कहीं पर नहीं आया हो या फिर नकारात्मक शब्द आया हो। अगर वाक्य में नहीं नहीं आया है तो नॉट को छोड़ देंगे और अगर वाक्य में नहीं आया है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देंगे। तो यहां पे नहीं है इसीलिए हम लिखेंगे नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ताती के किसमें जुड़ा है, खेलना में, तो प्ले। ऑब्जेक्ट क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट, चलो भाई क्रिकेट। अदर वर्ड, तो क्या हम मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते, यानी मैदान में ये हमारा अदर वर्ड है
तो ये हो जाएगा इन द फील्ड और ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो डू वी नॉट प्ले क्रिकेट इन द फील्ड, कितना सरल था, कितना आसान था। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। क्या सुरेश महेश के साथ साइकिल से दिल्ली जाता है, और ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्या सुरेश महेश के साथ साइकिल से दिल्ली जाता है। तो सबसे पहले इस वाक्य का उत्तर आप हाँ या नहीं में दे सकते हैं या नहीं, ये देखिए। किसी व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि क्या सुरेश महेश के साथ साइकिल से दिल्ली जाता है, मैं जाहिर सी बात है मैं कह दूंगा हाँ तो वो समझ जाएगा कि जाता है, और मैं कह दूं नहीं तो वो समझ जाएगा नहीं जाता है। इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट है। तो सबसे पहले लिखेंगे डू या डज, किसको देखकर, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट कौन है, सुरेश। तो सुरेश के साथ लगेगा डज। अब समस्या क्या है, आपको लग रहा होगा सर सुरेश के बाद तो महेश भी है, इसको क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहां पे सुरेश और महेश नहीं लिखा है, बल्कि ये लिखा है कि सुरेश महेश के साथ, यानी ये अदर वर्ड में आएगा। तो डज सुरेश लिखेंगे सबसे पहले, सुरेश, फिर सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट। नॉट तब लगेगा जब वाक्य में नहीं आया हो, तो कहीं पर नहीं है। क्या सुरेश महेश के साथ साइकिल से दिल्ली जाता है, यानी वाक्य में कहीं पर भी नहीं है, तो नॉट को छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, जाना, तो गो। उसके बाद टू, फिर दिल्ली, तो डज सुरेश गो टू दिल्ली। अदर वर्ड, अदर वर्ड महेश के साथ साइकिल से, तो ये लगेगा दिल्ली के तुरंत बाद। पहले लिख लेते हैं विथ महेश, और उसके बाद साइकिल से, तो बाई साइकिल, सी वाई सी एल ई, और ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो ये कितना सरल था, बहुत आसान था ना, कि डज सुरेश गो टू दिल्ली विथ महेश बाई साइकिल। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट के दो एग्जांपल तो हमारे ख्याल से पर्याप्त है। आपको हल करना है तो आपको प्रैक्टिस करनी है, तो मैं कुछ वाक्य दे देता हूं, आप उनसे हल कर लीजिएगा। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट के बाद एक और आता है, उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकेंड, और इस वाले की हालत यह होती है कि इस रूल में ठीक पहले लग जाता है क्यू और डब्ल्यू, यानी क्वेश्चन वर्ड। बस क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। और इसकी खासियत यह है कि आप इसका उत्तर हां और नहीं में नहीं दे सकते, बल्कि आपको इसका रीजन बताना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको दोनों एक साथ वाक्य दे दूंगा हल करने के लिए। अभी हम पढ़ लेते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड। ठीक है, चलिए इंट्रोगेटिव सेकंड से मुलाकात करते हैं। मुकेश सड़क पर क्यों दौड़ता है। अब इंट्रोगेटिव सेकंड होगा तो उसका सबसे सरल तरीका है कि आप उसका उत्तर हाँ और नहीं में नहीं दे सकते, वहां पर आपको रीजन बताना पड़ेगा। अगर आपसे किसी ने पूछा मुकेश सड़क पर क्यों दौड़ता है और आप कहें हाँ, वो फिर से पूछेगा मुकेश सड़क पर क्यों दौड़ता है, तो आप कहें हाँ, तो फिर आपको एक झापड़ पड़ेगी कान के नीचे कि आखिर मैं पूछ रहा हूं तुमसे क्यों दौड़ता है, मुझे कारण बताओ, और तुम मुझे हाँ हाँ कर रहे हो। और अगर यहीं पर आप कहते हैं कि मुकेश सड़क पर क्यों दौड़ता है, आप कहते हैं नहीं, तो भी सामने वाला नहीं समझ पाएगा ना आप क्या कह रहे हो, वो नहीं समझ पाएगा। आपको बताना पड़ेगा कि मुकेश सड़क पर क्यों दौड़ता है, जब आपसे कोई व्यक्ति पूछे तो आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि उसको थोड़ा वजन कम करना है, क्योंकि उसको डॉक्टर ने कहा है कि थोड़ा दौड़ा धूपा करो, हमेशा पड़े मत रहा करो मोबाइल चलाते हुए, वो सारी चीजें। जब आपको रीजन बताना पड़े तो वो होता है इंट्रोगेटिव सेकंड, और जब आपको रीजन ना बताना पड़े, केवल हाँ और ना में काम हो जाए, तो वो होता है इंट्रोगेटिव फर्स्ट। इसको करने का सबसे सरल तरीका है, इसके रूल को मत छोड़िए। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क।
तो रूल कहता है सबसे पहले लिखिए क्वेश्चन वर्ड को, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, तो हम सबसे पहले लिखेंगे वाई, फिर डू या डज, किसको देखते हुए, सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट कौन है, मुकेश, मुकेश अकेला है तो लग जाएगा डज, सब्जेक्ट लिखेंगे आप, सब्जेक्ट कौन है, मुकेश, तो ये हो जाएगा मुकेश, नॉट तब लगाएंगे जब वाक्य में कहीं पर नहीं हो, तो नहीं नहीं है तो नॉट को छोड़ देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चले जाएंगे तो रन, फिर ऑब्जेक्ट कहां पर दौड़ रहा है, सड़क पर, तो ऑन दी आर ओ ए डी रोड, तो ऑन द रोड, क्लियर हो गया, तो वाई डज मुकेश रन ऑन द रोड, और यहां पर एक गलती की है मैंने, यहां पे मैंने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो भी गलत हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, धीरे धीरे स्लोली स्लोली, चलिए चलिए गाना ही गवा देते हैं, ज्यादा कुछ नहीं लिखते हम, लिखते हैं कि मधु, चलिए बहुत हो गया गाना गाने की बातें, थोड़ा सा मैं इसको चेंज करता हूं तरीका, ठीक है, रमेश अपने भाई के साथ, चलिए यहां पे अपने भाई के साथ क्या लिख दे, अपने भाई के साथ, गणित क्यों नहीं पढ़ता, बहुत पढ़ा लिया, दिल्ली क्यों नहीं जाता, बहुत लोग चले गए भाई दिल्ली, चलिए ठीक है, तो रमेश अपने भाई के साथ स्कूल क्यों नहीं जाता है, ये हो गया, चलिए अब रमेश अपने भाई के साथ स्कूल क्यों नहीं जाता है, ये वाक्य ऐसा है जिसका रीजन आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि उसको भाई से डर लगता है या फिर उसका भाई उसके साथ नहीं ले जाता अपने, तो ये हो जाएगा सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, तो सबसे पहला क्वेश्चन वर्ड है क्यों, तो ये होगा वाई, डू या डज, सब्जेक्ट को देखकर, तो सब्जेक्ट है रमेश तो लगेगा डज, फिर लगेगा सब्जेक्ट रमेश, फिर नॉट, कहीं पर नहीं आया है, नहीं 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 यहां पे आया है, नहीं तो नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना तो गो, फिर स्कूल का है तो गो टू स्कूल, क्लियर हो गया, अदर वर्ड भाई के साथ अपने, तो विथ लगेगा, और जब अपने की बात हो गई तो यहां पे हो जाएगा हिज ब्रदर, और ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, तो वाई डज रमेश नॉट गो टू स्कूल विथ हिज ब्रदर, यानी रमेश अपने भाई के साथ स्कूल क्यों नहीं जाता है, तो इस तरह से आप इसके वाक्यों को कर सकते हैं। अब मैं आपको होमवर्क देता हूं और फिर आप उन्हें खुद से हल करेंगे, और हां कहीं और से भी, बुक से, इंटरनेट से, कहीं से भी जितने वाक्य मिले उतने वाक्यों को हल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, जितना अभ्यास करेंगे उतनी ही आपकी जड़ें मजबूत होंगी, उतना ही आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है, रूल जरूर याद कर लीजिएगा। अब मैं दूंगा आपको होमवर्क, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो चलिए कुछ वाक्य दे दिए हैं हमने हमारी ओर से और आप उन्हें खुद से हल करेंगे। पहला वाक्य है क्या हम विद्यालय में गणित नहीं पढ़ते हैं, दूसरा वाक्य है क्या बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचाते हैं, तीसरा वाक्य है तुम कहाँ रहते हो, चौथा वाक्य है सीता और गीता प्रतिदिन कक्षा में कब लूडो खेलती हैं। ध्यान रखिएगा जो ये प्रतिदिन है ना, इसकी मतलब इसका तो होता है डेली, ये डेली आप वाक्य के सबसे अंत में लगाएंगे, सबसे अंत में हमेशा, ठीक है, हमेशा डेली अगर आता है, प्रतिदिन आता है, तो उसको वाक्य के सबसे अंत में लगाना है, ठीक है, जैसे मैं लिखूं व्हाट यू रीड डेली, तुम प्रतिदिन क्या पढ़ते हो, तो ये जो डेली है ना ये सबसे अंत में लगेगा, हमेशा डेली सबसे अंत में लगाना है, ठीक, तो व्हाट यू रीड डेली यानी तुम प्रतिदिन क्या पढ़ते हो। चलिए पिताजी साइकिल से कब दफ्तर जाते हैं, माताजी दफ्तर का ऑफिस होता है, ठीक है, तो माताजी प्रतिदिन भोजन क्यों नहीं बनाती हैं, और क्या हम राहुल के साथ कक्षा में हिंदी नहीं पढ़ते हैं, तो ये आपके लिए चुनौती है
कि आप इसमें इंट्रोगेटिव फर्स्ट और इंट्रोगेटिव सेकंड को ढूंढें और उन्हें ढूंढकर हल करें। इसके अलावा भी कहीं से भी अगर आपको वाक्य मिलते हैं तो उन्हें हल कीजिए, उन्हें कोशिश कीजिए कि आप ज्यादा से ज्यादा वाक्यों को हल कर सके। और हाँ, इसके बाद हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहीं पर समाप्त होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आने वाली सभी कक्षाओं से रेगुलर अपडेट होते रहें। और लाइव क्लासेस के साथ बहुत जल्द बहुत सारी नई चीजों के साथ मैं आपसे फिर से मिलूंगा। वीडियो को मित्रों के साथ शेयर करना है और इसका स्क्रीनशॉट ले लें।